अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। जो प्यार करता है बोले सुभान अल्लाह, जो बहुत ज्यादा प्यार करता है एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। जश्न इलाद की रौनक पे यारो मरते के सुल्ली मरते रहेंगे। अपने नबी की अजमत को चर्चा करते गए सुन सुन करते रहेंगे। लेकिन कुछ वो भी तो हैं जिनके अंदर जरासीम ही अलग है। खाली जरासीम हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जरासीम तंग भी करते हो तो बड़ा मसला होता है। हाँ, अब मैं शेर पढ़ रहा हूं। कुछ जलने वाले देख के कहते हैं हमेशा कार की आमद पे लगाते हो क्यों पैसा। कुछ जलने वाले देख के कहते हैं हमेशा सरकार की आमद पे लगाते हो क्यों पैसा। रुपया पैसा सिर्फ मिलाद पर ही, सिर्फ मिलाद पर पैसों की बात क्यों याद आती है? क्यों 14 अगस्त को पूरा पाकिस्तान सजता है दुल्हन की तरह? तुम लोगों को तकलीफ होती है? मुझे तो नहीं होती। पता है क्यों? इसलिए वतन से मोहब्बत जो है, तो वतन बाद में है, पहले मेरे हुजूर की जात है। सुभान अल्लाह। वतन भी हुजूर के सदके है। तो जब हुजूर की विलादत पर पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सजती है तो फिर इनको क्यों तकलीफ होती है? क्या हुजूर से प्यार नहीं है? फिर गरीब की बेटी क्यों याद आती है? ओ याद रखो, गरीब की बेटी की शादी भी ये मिलाद वाले ही करवाते हैं। अल्लाहु अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। अब तीसरी लाइन पर औरंगी टाउन वालों, तेरा मेरा जवाब है, टेढ़ा मेरा नहीं, तेरा मेरा, सीधा सच्चा खरा जवाब है। तीसरी लाइन पर जिसका जवाब हो बस वो हाथ उठाएगा, कहीं भी बैठा हो कहीं भी खड़ा हो आपका हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना बताएगा कि किस किस का जवाब है। कुछ चलने वाले देख के कहते हमेशा सरकार की आमद पे लगाते हो क्यों बाजार। जवाब जवाब जवाब। ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे। तो क्या चीज है हम घर भी लुटा, जिसका जवाब है हाथ उठा ले। ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे। ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा, मेरे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा। जिसका यही अकीदा हाथों को उठाकर जोर से बोले मरहबा या मुस्तफा। मेरे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा, प्यारे नबी आ गए, लजपाल नबी आ गए, गमखार नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा। साहिब मेराज नबी, आसियों की लाज नबी, नबियों के सरताज नबी, कल्बे थे और आज नबी, दो जगह के राज वाले मेरे नबी आ गए। हर खारजी फसादी वतन से भगाएंगे। क्योंकि इनका टाइम अब पूरा हो गया है, इनका टाइम पूरा हो गया है, पीछे वालों के हिसाब से थोड़ा रहता है, इनका टाइम। हाँ, अब किसका टाइम है? अब लब्बैक या रसूलल्लाह वालों का टाइम है। हाँ बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरी लाइन पर आपकी सुभान अल्लाह की सदा बताएगी, टाइम अपना ही था और अपना ही है इंशाअल्लाह। हाँ, हर खारजी फसादी वतन से भगाएंगे।
पढ़ कर दुरूद सबको मिला दी बनाएंगे, सबको मिला दी बनाएंगे, लाएंगे हम लाएंगे हम हुजूर दाएं सलाम तख्त पर इंशाल्लाह। चौथी लाइन के बाद औरंगी टाउन वालों पावर शो करना है, क्या करना है? पावर शो। कौन सा पावर शो? तुम्हारे अंदर कितनी बोटी है, कितनी चर्बी है? नहीं, कितनी ईमानी कुव्वत है। हाँ, आज हलाली करने का टाइम आया है। वैसे भी हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल है। बोलो सुभान अल्लाह। चौथी लाइन पर अल्लाह ने तुम्हें जितना बड़ा आवाज दिया है ना, उतना जोर से लब्बैक की सदा लगाना। घर जाओ। माँ बोले, बेटा तेरा गला क्यों बैठ गया? माँ, नामूस रिसालत की बात चली थी, मैं जज्बाती हो गया था। माँ आवाज की परवाह नहीं रही, मैंने अब अपनी आवाज को हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया है। माँ मुझे ऐसा लग रहा था महफिल में सबसे जोर से मैं बोल रहा था। माँ मुझे सबसे ज्यादा मेरी आवाज आ रही थी। माँ मैंने इतना जोर से बोला है। माँ, माँ तूने मेरी ऐसी तरबियत की थी ना। बोलो ना सुभान अल्लाह। चौथी लाइन के बाद पावर शो होगा। लाएंगे गम के गम के गम, लाएंगे गम हुजूर का सलाम तख्त पर, लादीनियत के सारे भूतों को गिराएंगे। दुश्मन मिल्लत दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कसूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। आज तकलीफ होती है इन्हें तो वो भी लगती है। सही है ना भाई? अब तो मैंने वो लफ्ज ही नहीं बोला। सही ना? अब तो नहीं लगी होंगी ना, जाके पता करो, अब भी लग गई होंगी। क्योंकि ताहिर कादरी के मिर्ची बोलने से नहीं लगती, मिर्ची हमारे इस मिलाद वाले काम से लगती है और खामा खा लगती है। हाँ, हमने तो मरते दम तक ये जिक्र करना है। मरते दम तक, मरते दम तक नहीं यार, महदूद नहीं कर यार, मरने के बाद भी करना है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वसलाम। फिर नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाते 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 जाते। मिर्ची ताहिर कादरी के बोलने से नहीं लगती। इमाम ने फरमाया, खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन पर आपने सुभान अल्लाह सदा ऐसी लगानी है, पता चले हमें मिलाद करना कितना शहद लगता है, उनको खामखा कितनी मिर्ची लगती है। और अंसार भाई ने सही नहीं किया मेरे हिसाब से, इतनी मिर्चियां लगा दी, छोटी 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 मिर्चियां इतनी सारी लगा दी है, और इसी छोटी मिर्चियों की लाइन को आखिर में बम बना के खड़ा कर दिया। देख रहे हैं मंजर, देख रहे हैं? हालांकि अल्लाह की कसम ये कोई मिर्ची नहीं, ये बल्ब है। पता नहीं उनको क्यों मिर्ची दिखती है। हैं, शेर पढ़ रहा हूं, आपकी सुभान अल्लाह की सदा चाहिए। तकलीफ होती है इन मिर्चें भी लगती है, जब बारहवीं पे लाइटों से गलियां भी सजती है। ओ, जब
से सजती है क्यों चिढ़ता है तू देख के झंडों की बहारे क्यों चिढ़ता है तू देख के झंडों की बहारे ताजी में नबी हो तो सभी अच्छी लगती है अब जिसको अच्छी लगती हाथ उठाले सरकार की आवाज हर बार में सरकार कमी लाद करेंगे